नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आइए कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं इसके लिए आपके लिए तैयार नया सिलेबस लेकर आई हूँ, जिसमें आपका प्रतिदिन करंट अफेयर्स के साथ मैं प्रतिदिन आपसे मिलूंगी। तो जिसमें आपके लिए टॉप 20 करंट अफेयर्स प्रतिदिन मैं कराऊंगी, ताकि आप लोगों को तैयारी करने में कोई भी समय वेस्ट ना होने पाए। तो समय ना वेस्ट हो, इसके लिए मैंने 20-20 क्वेश्चन ही लिया है, और 1000 और 500 में भी क्वेश्चन होगा धीरे धीरे, और प्रतिदिन 20 क्वेश्चन ही दूंगी, डेली का ये होगा। तो ये आपके लिए ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास रहती है और रहेगी। तो चलिए बिना देर के हुए मैं इसको शुरू करती हूँ, करंट अफेयर्स की इस क्लास को। आइए, ये है आपके सामने पहला प्रश्न। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। पापो कैटे पेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना में, ब्राज़ील में, मैक्सिको में या फिर पेरू में? तो यह किस देश में स्थित है यह ज्वालामुखी? तो यह आपका मैक्सिको में स्थित है। मैक्सिको यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन अवार्ड 2024 जीता है? तो किसने टाइम्स पावर आइकॉन अवार्ड 2024 जीता है? विजय जैन ने, निधु सक्सेना ने, कमल किशोर ने या फिर यस रमन ने? तो किसने यह अवार्ड जीता है? तो विजय जैन ने जीता है यह अवार्ड 2024 का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। हुरुन रिसर्च रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहली बार एशिया की नई अरबपति राजधानी कौन बनी है? टोक्यो, न्यूयॉर्क, बीजिंग या फिर मुंबई? तो 2024 यानी हुरुन रिसर्च रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहली बार एशिया की नई अरबपति राजधानी बनी है आपकी मुंबई। कौन बना है? मुंबई बनी है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है। आइए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ता है, वह कौन राज्य है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर और पंजाब? तो किन दो राज्यों को जोड़ता है, तो है आपका लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया हो? कौन सा देश है जिस पर प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने? ये रूस, भारत, चीन या फिर फ्रांस? तो है आपका चीन है, चीन पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने। मुस्क बुद्धिजी किस फसल की स्वदेशी किस्म है? मक्का की, गेहूं की, चावल की या फिर दाल की? तो किसकी यह फसल स्वदेशी है? तो चावल की है, मुस्क बुद्धिजी स्वदेशी फसल किस्म की फसल है, चावल की। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में अफानसी निकितिन सी माउंट यानी एएन सी माउंट का पता लगाने के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी में आवेदन किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी में आवेदन किसने किया है? श्रीलंका, भारत, चीन या फिर म्यांमार? तो यह आवेदन किसने किया है? भारत ने किया है, भारत यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है, भारत ने किया है। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? मनीला में, ब्रुसेल्स में, जेनेवा में या फिर ब्राजीलिया में? तो ये ऊर्जा परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है आपके ब्रुसेल्स में, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है, ब्रुसेल्स। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में खोजा गया है? तो यह आपका ऐतिहासिक दृष्टि से भी है, क्योंकि इतिहास में भी पूछा जा सकता है और करंट अफेयर्स में तो रहेगा ही रहेगा। तो किस राज्य में खोजा गया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर केरल में? तो यह खोजा गया है आपका तेलंगाना राज्य में, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है, तेलंगाना में। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो यह भारत रोजगार रिपोर्ट 2024
कौन सा संगठन जारी किया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्थान, या फिर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक रक्षा संगठन एवं भारतीय खाद्य निगम, या फिर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय एवं मानव विकास संस्थान, या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं नाबार्ड। तो यह भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्थान द्वारा जारी किया गया है, यानी विकल्प ई आंसर इसका सही होगा। आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहोम सेनापत यानी लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण असम के किस जिले में किया है? इन्होंने शिवसागर में, डिब्रूगढ़ में, दिसपुर में, या फिर जोरहाट में। तो यह असम के किस जिले में है अनावरण किया गया? तो यह जोरहाट जिले में, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है, जोरहाट। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु किसके साथ हस्ताक्षर किया है? यूरोपोल के साथ, इंटरपोल के साथ, यूनिसेफ के साथ, या फिर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के साथ? तो यह हस्ताक्षर हुआ यूरोपोल के साथ, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है, यूरोपोल। आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाल ही में मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ग्रा प्रिक फार्मूला वन यानी F1 रेस किसने जीता है? सार्जिया पेरेज ने, कार्लोस सैंज ने, या फिर चार्ल्स लेक्लर ने, या फिर मैक्स वेरस्टैपेन ने? तो यह फार्मूला वन किसने जीता है? तो यह कार्लोस सैंज ने, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। यूरोपा कप 2024 सेलिंग नौकायान यानी प्रतियोगिता हाल ही में किस देश ने आयोजित की है? फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, स्पेन ने, या फिर जर्मनी ने? तो यह प्रतियोगिता हाल ही में किसने आयोजित किया है? तो स्पेन ने जारी किया, किसने? स्पेन ने जारी किया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। मार्च 2024 से संबंधित नियुक्तियों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही नहीं है? आइए देखते हैं इसको। प्रसार भारती के अध्यक्ष ऋतु राज अवस्थी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC के अध्यक्ष किशोर मकवाना, या फिर NTPC के डायरेक्टर रविंद्र कुमार, या फिर लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खान बिगलर? तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो विकल्प ए जो है ये सही सुमेलित नहीं है, प्रसार भारती के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, यही आंसर गलत है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं ये रहा आपके सामने। इसरो ने कर्नाटक के चौलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज यानी ATR से अपने किस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLUV के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है? नाग की, पुष्प की, या पुष्पक की, या फिर साक्षी की? तो मिशन जो टेस्टिंग का लैंडिंग मिशन जो सफल टेस्टिंग की है वो है पुष्पक की, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। स्पेन के कार्लोस अलकराज ने किसे हराकर इंडियन वेल्स ATP टूर्नामेंट जीता है? नोवाक जोकोविच को, मिलोस राओनिच को, सुमित नागल को, या फिर डेनियल मेदवेदेव को? तो किसको हराया इन्होंने? तो डेनियल मेदवेदेव को हराकर यह टूर्नामेंट जीता है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, या फिर नई दिल्ली में? तो स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाल ही में कैमरून की राजधानी याउंडे में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने किस बीमारी से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से याउंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? तो इस किस बीमारी को ख़त्म करने के लिए? तो तपेदिक, मलेरिया, कैंसर, या फिर एड्स को? तो ये मलेरिया जैसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो फ्यूचर एक कैटेगरी का खिताब जीतने वाले अंश नेरूरकर हैं, गुकेश डी हैं, रमेश बाबू प्रज्ञानंद हैं, या फिर विदित गुजराती हैं?
तो यह फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं अंश नेरूरकर, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा, अंश नेरूरकर। तो ये था आज का टॉप 20 करंट अफेयर्स। फिर अब मैं प्रतिदिन टॉप 20 करंट अफेयर्स लेके आऊँगी और यह सीरीज रहेगी 1000 से लेके 500 से लेके 1000 तक की, ताकि पूरा करंट अफेयर्स आपको कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी आराम से कर सकें। करंट अफेयर्स की कोई चिंता ना रहे, मेरा तैयार कैसे होगा, आप मेरी वीडियो लगातार देखते रहेंगे तो आपका कोई करंट अफेयर्स से कोई भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा और गलत नहीं होगा। तो आप लोग तब तक इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलूंगी अगली क्लास में टॉप 20 करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।